क्या जम्मू कश्मीर को जल्द ही फिर से राज्य का दर्जा मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार का कहना है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हालात बेहतर हैं। इसलिए यह फैसला लेने में भी केंद्र सरकार को कोई हिचक नहीं होगी। इस बारे में खुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कई बार संसद में भी बयान दे चुके हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां इसे केंद्र सरकार का नया पैंतरा बता रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि सॉलिसिटर जनरल एक बहुत ही सक्षम और चतुर वकील हैं। वो तर्कों का ध्यान केंद्र के सामान्य स्थिति पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जाल है जिससे बचना बेहतर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति या सामान्य स्थिति पर शासन करने के लिए याचिका नहीं दी गई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश और पीठ के अन्य न्यायाधीशों के लिए सरल प्रश्न ये तय करना है कि 2019 में जम्मू कश्मीर में थोपे गए बदलाव कानूनी और संवैधानिक थे या नहीं। बाकी सब तो मन का बहलावा है। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर कहा, भारत सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसजी का बयान हमारे रुख की पुष्टि करता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। तुषार मेहता, अब हमारे तर्क को केवल भारत सरकार के संवैधानिक हराकिरी के बचाव करने के बहाने के रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि G20 की बैठक से पहले केंद्र कोई बड़ी घोषणा कर सकता है। G20 में हिस्सा लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली आ रहे हैं। दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने हाल में बयान दिया था कि भारत और पाकिस्तान वहां से शुरुआत कर सकते हैं जहां वाजपेयी सरकार और मुशर्रफ की बातचीत का सिलसिला टूटा था। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।